घास लाने के लिए। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो चारों तरफ पहाड़ों में कोहरा लगा हुआ है और सुबह तक ना बारिश आ रही थी। बाकी दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज और अपने गाँव से नीचे आ गई हूँ। अपने गाँव जाने के पैदल रास्ते में हूँ। बाकी चलती हूँ जल्दी जल्दी कॉलेज की ओर और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। आज की सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, पहाड़ों में चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। धान के पौधों पर भी धान की बालियां आ गई हैं जो कि बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही हैं। रास्ते तक मैं आ गई हूँ और ये पूरा जंगल का रास्ता है, जंगल है तो मुझे सुबह सुबह ना इसी टाइम पर लोग ना जंगल जाते हुए मिलते रहते हैं, घसेरी मिलती रहती हैं जंगल की ओर जाती हुई। बाकी दोस्तों मैं चंद्रापुरी मार्केट में पहुंचने वाली हूं और ना तो धूप लगी हुई है और ना ही बारिश आ रही है और बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है। दिन के 1 बज रहे हैं और मैं ना कॉलेज से घर जा रही हूं और दोला गांव के पैदल रास्ते में हूं। बाकी मैं अभी ना धार में आ गई हूँ और यहाँ से ना चारों तरफ का नज़ारा ना बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और यहाँ पर ना प्यारे प्यारे फूल भी खिले हुए हैं। दिन के 2 बज रहे हैं और मैंने घर आके कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धो लिया है और माँ ने भी दिन का खाना बना दिया है और कान्हा भी स्कूल से नहीं आई है तो हम लोग ना खाना खा लेते हैं। तो कान्हा भी स्कूल से घर आ गई है। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हम लोग ना पुराने साड़ी से गैनो बना रहे हैं, भैंस के लिए गले की रस्सी बना रहे हैं और पुराने साड़ी को ना फाड़ के कुछ हमने लगा दिया है और अब इसको ना हम लोगों ने घुमाना है। हम दोनों के पास ना ये जो लकड़ियाँ दी गई हैं इनमें ना साड़ी लगा रखी है और हम लोग ना इसको घुमा रहे हैं, एक साइड घुमा रहे हैं। हम दोनों ने इनको बराबर घुमाना है और किसी टाइम ज़्यादा घुमा रहे हैं ना तो बीच में गांठें पड़ रही हैं तो वो ख़राब हो रहा है। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने साड़ी से इतनी बड़ी रस्सी बना दी है और जो ये दो लकड़ियां हैं ना इनकी सहायता से हम लोगों ने इसको बनाया है। उन्होंने अपने भैंस के लिए गले की रस्सी तैयार कर दी है जो कि कुछ ऐसी है और साड़ी की बनी है और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है तब जाके ये बनी है। और सबसे पहले ना हमने साड़ी पुरानी साड़ी के ना छोटे छोटे टुकड़े करे और जो डंडिया जो लकड़ियाँ थी ना दो उनके माध्यम से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ना उस साड़ी के टुकड़े लगाए और बाद में ना उनको उन लकड़ियों को ना एक ही तरफ घुमाया जिसके कारण ना कुछ ऐसा डिज़ाइन बना। तो हमने गैनू बोर्ड दिया है दोस्तों जो कि कुछ ऐसा है। ये रस्सी ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइट बनी है और अच्छी भी। और अब माँ ना फिर से दूसरी बना रही है। जैसे जैसे ना रस्सी लंबी हो रही है तो हम पीछे से ना ऐसे कपड़ा लगा रहे हैं, बोले तो साड़ी के टुकड़े लगा रहे हैं। जितनी बड़ी रस्सी चाहिए ना उतनी हमने ना साड़ी के टुकड़े लगा दिए हैं और अब फिर से ना लकड़ी लगा दी है तो अब इसको ना हम फिर से ना घुमाएंगे एक साइड, दोनों एक ही साइड घुमाएंगे। तो बाकी इतनी बड़ी रस्सी बन गई है और अब इसको ना डबल करके घुमाएंगे।
बाकी हमने ये दूसरा वाला ना गेनू नहीं बनाया है, इसको हमने सिर्फ रस्सी बनाया है घास लाने के लिए। और इसको बनाते टाइम ना दोस्तों इसको टाइट से खींचना पड़ता है, तब जाके इसको घुमाना पड़ता है, और अगर इसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया ना तब भी अच्छा नहीं बनता है। और ये बिल्कुल ना ढीला ढीला जैसा बन रखा है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं बन रखा है, उससे ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन रखा है। माँ भी गौशाला से घर आ गई है और हल्का सा अंधेरा होने लग गया है और 7 बज चुके हैं और चूल्हे लेके आई है माँ। रात के 8 बज चुके हैं और माँ ने खाना बना दिया है। बाकी दोस्तों अब बस अब खाना खाने की तैयारी है और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने अगले एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देवभूमि उत्तराखंड।